Hello and welcome. Hi, you're watching Doctor Education and I am Dr. Paramjeet. Thank you so much for joining me. I hope the voice is not bad. थोड़ा कमरा बड़ा है मेरे क्लिनिक का और यहाँ पर आवाज़ गूंज सकती है. सो लेट मी नो इफ वॉइस इज वेरी बैड, देन विल शिफ्ट टू अनदर प्लेस. ऑलराइट, वॉइस इज गुड, प्लीज टेल मी समबडी, वॉइस ठीक है, आवाज़ ठीक है? राइट, नोबडी सेलिंग. हाय एवरीवन, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू. आवाज़ ठीक है आवाज़ भाई साहब? यस, ओके, गुड, थैंक यू. Thank you guys, thank you. So, thank you for joining everyone and it was a good journey, right? मस्त रात को ड्राइव किया, सुबह मैं 5:30-6 बजे घर पहुँचा हूँ, सोया हूँ मस्त 11 बजे तक और फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल. सो आई एम बैक एंड वी गोइंग टू आस्क यू आंसर योर क्वेश्चंस टुडे. सो जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस डाल दो अगर नहीं डाले हैं टुडे. सो जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस डाल दो अगर नहीं डाले हैं, हो सकता है आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाए. और दूसरा, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि दूसरे भी आ जाएं. एवरीबडी शुड बी हियर, एवरीबडीज क्वेश्चन शुड बी एंटरटेन्ड समवे ऑर द अदर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. प्रणव अगर, प्रणव चावला जी, हाय. क्लीन बल्क वर्सेस डर्टी बल्क, वाओ, ऐसा कोई डिफरेंस खास नहीं होता. व्हाट डू यू प्रीफर? आई वाज 52 kgs, नाउ आई एम 57 kgs. टिल व्हाट वेट शुड आई बल्क एंड टिल व्हाट वेट शुड आई कट? सी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. क्लीन बल्क, डर्टी बल्क, उसको लोग इसलिए बोलते हैं कि डर्टी बल्क इन द सेंस आप बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो. क्या बेटा, ले, थोड़ी देर बाद ले जाना, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो होता है उसको डर्टी बल्क काइंड ऑफ, राइट? एंड क्लीन बल्क इज वेन यू एक्चुअली ईट मोर प्रोटीन्स, राइट? एंड यू, आपकी मसल से बल्क हो रहा है, राइट? क्लीन बल्क काइंड ऑफ. सो क्लीन बल्क इज ऑलवेज बेटर और आइडियली आपका बल्क भी क्लीन होना चाहिए. सो आपको क्या है, द ओनली थिंग इज टेक द टाइम फॉर बल्किंग, राइट? टेक योर ओन टाइम फॉर बल्किंग. एंड वॉट हैपन्स वाइल क्लीन बल्क, आपकी कटिंग भी साथ में होती है थोड़ी थोड़ी, राइट? सो क्लीन बल्क से बेटर कुछ नहीं है, राइट? एंड दैट्स वॉट आई एम डूइंग. अभी मैं साइज भी बढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन एट द मोमेंट आई एम नॉट गिविंग एक्सेस प्रोटीन्स, बिकॉज एक्सेस प्रोटीन्स, एक्सेस कार्ब्स जितना कम से कम हो सके वो करना है, बिकॉज यू हैव टू कट डाउन योर फैट्स, बिल्ड अ शेप, राइट? मसल डेफिनेशन तभी आएगा. सो क्लीन बल्क इज बेस्ट. सो बहुत ज़्यादा बल्क मत करो, डोंट ट्राई टू गेट कि रूनी कोलमैन बन जाओगे एक ही बार बल्क करके और फिर सीधा कट करोगे, भाई साहब ऐसा नहीं होता. सो स्टेप वाइज जाना पड़ता है, राइट? वट एवर साइज यू आर, आप 10% इंक्रीज कर लो, 20% इंक्रीज कर लो, 10-20% इज मैक्सिमम वेट, वेट और साइज की बात कर रहा हूँ. सो वेट और साइज 10-20% तक जाओ, फिर जाओ उसके बाद कटिंग करो या बेसिकली गेट बैक टू द लीन थिंग, फैट लॉस करो, फिर थोड़ा बल्क, फिर फैट लॉस. ईयर वाइज होता है, 7-8 साल का काम एक साल भी नहीं हो सकता, ओके? दैट्स माई एडवाइस. अवधेश जी, हाय सर. All the seeds have ALA and conversion rate of ALA into EPA and DHA is pretty less. Then how do I fulfill the need of omega 3? Cannot take fish oils. See, the problem with this is that we're going into much depth. Omega 3 is EPA and DHA obviously. And ALA, EPA and DHA are present in seeds, right? Don't think ki nahi hai. And the problem is quantity. ओनली क्वान्टिटी, क्वान्टिटी जो चाहिए वो एज कम्पेयर टू ओमेगा 6 चाहिए, राइट? दी ओनली थिंग इसमें वॉट मैटर्स इज कि आप ओमेगा 6 कितना ले रहे हो. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो मैटर करता है. मान लो कि अगर आप तला हुआ खा रहे हो, अब दिवाली आ रही भाई साहब, तल तल के स्वीट्स खा रहे हो, लेकिन वो तल तल के जो स्वीट्स हैं वो बन रही है ग्राउंड नट ऑयल, फल्ली के तेल में, फल्ली का तेल, मूंगफली का तेल, और इवन सनफ्लावर ऑयल, इवन वेस्ट ऑयल विच यू कैन से लाइक घी, बटर, मक्खन वाला, वट एवर यू वॉन्ट यू आर यूजिंग. इनमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ओमेगा 6 ज़्यादा है. सो ओमेगा 6 हैवी हो गया, ओमेगा 3 नहीं है. सो ओमेगा 3 यानी EPA और DHA, इसको आपको सिर्फ इतना चूज़ करना है कि उसी प्रोपोर्शन में आप वो, यानी अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हो, मान लो अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हो तब तो टेंशन ही नहीं है, तो आपका पूरा हो गया. एक मिनट रुक जाओ यार, हॉस्पिटल से फ़ोन आया, वो ले लेते हैं, हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं. हेलो, हाँ बोलो. हाँ जी, हाँ बताओ. अंकुर, मैं ओपीडी में बैठा हूँ, ओपीडी में भेज दो, मैं देख लूँगा. ओके, थैंक यू. राइट, सो द आइडिया इज़ टू टेक ऐसा
ऑयल जिसमें ओमेगा 3 हो, ज़्यादा हो, या ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो, जैसे आप मस्टर्ड ऑयल में जितना मर्जी खा लो तो आपका रेशियो हो गया फिट, बढ़िया। कैनोला ऑयल में खा लो आपका रेशियो हो गया फिट, तो फिर वो सिर्फ क्वांटिटी रह जाएगी आपके फैट की, क्योंकि जितना खा रहे हो उतना यूज़ करना है, दैट्स इट, इट्स ऑयल, इट हैज़ अ वेरी ह्यूज कैलोरिक इंडेक्स, अगर वो कैलोरीज खा रहे हो तो बर्न करना है, लेकिन अल्टीमेटली 6 और 3 को बैलेंस करो। अब सीड्स में क्या है, सीड्स में 6 ज़्यादा है, सॉरी 3 ज़्यादा है, 6 कम है, सो सीड्स आर गुड एडिशन। और इसी के साथ एक और फ़ोन, हॉस्पिटल में आने का ये है साइड इफेक्ट, एक बार रुकिए। हेलो, हाँ बताओ, बोलो बोलो जी। हाँ वो हाँ, तो भेज दो पेशेंट को इको लैब में, अभी करेंगे, ठीक है, अभी उनको बता दो, वो कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, भेज दो अभी, आधे 15-20 में, 15 मिनट में भेज दो, ओके ओके। ऑल राइट, सो सीड्स खाइए निश्चिंत होके, और थोड़ा सा अपने इसमें या तो कैलोना ऑयल, कैनोला, मस्टर्ड, राइस ब्रान, फ्लैक्सीड, आप ये नहीं खा सकते, फ्लैक्सीड ऑयल खा लो, नो बिग डील, यू विल गेट योर ओन अमाइनो दिस थिंग, ठीक है। धाना जी लाड, सर आई फील इन चेस्ट, आई फील पेन इन चेस्ट, व्हाट आई डू कार्डियो मोर देन 3 मिनट्स बट माई ईसीजी लिपिड्स आर ओके, प्लीज़ गाइड मी। देखिए धाना जी, अगर ECG नॉर्मल है तो 90% चांस है आपका हार्ट नॉर्मल है, 10% बाकी बचा, 10% को ठीक करने के लिए, 10% कवर करने के लिए या ठीक करने के लिए आपको 3 टेस्ट करने होंगे, एक तो होता है ट्रोपोनिन लेवल्स, एक होता है इकोकार्डियोग्राफी, ये दो अगर नॉर्मल है साथ में ECG नॉर्मल है तो ये तीनों नॉर्मल के बाद आपके हार्ट के प्रॉब्लम होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं, मतलब नहीं है, और 1% चांस जो बचता है कम उम्र में, उसके लिए आपको करना होगा स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। उसके लिए मेरा एक वीडियो है चेस्ट पेन एंजाइना, इन वीडियोस के बारे में ज़रा देखिए और आप उसमें कर सकते हैं क्या कहते हैं टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट एंजाइना, राइट। सो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है भाई साहब, जिन लोगों ने सुपर चैट में पैसे दिए हैं वो मैं 10 सवालों के बाद अभी जवाब दूंगा, राइट। अब ऑल्दो आई डोंट एडवाइज यू, बट कोई ऐसे पैसे डाल देता है तो अच्छा नहीं लगता, उसके पैसे वेस्ट जाए, राइट, दैट इज़ वन थिंग। सो अब मैं देख रहा हूँ ऊपर जाके वापस फटाफट, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ओ माय गॉड, ऑल द मैसेजेस अवेलेबल, विजिबल, 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 ओके ओके, सो सॉरी गाइज, ये फिर से थोड़ा मिक्सअप हो गया है। सो अगर किसी पहले लोगों के, पहले 10 लोगों के सवालों का जवाब नहीं आएगा तो मैं उसका जवाब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन कह रहा, फर्स्ट कमेंट में और उसमें दे दूंगा, क्योंकि अब ये हमारे पास में फिर से पता नहीं मैं यूट्यूब वालों को क्या बोलूँगा, ये लोग इतने अगर कमेंट आते हैं तो तुम कमेंट के लाइन में क्यों नहीं रख सकते हो यार, मेरे को समझ नहीं आता, अगर ऊपर बंदा जा रहा है तो ऊपर ऊपर जाके कमेंट देख क्यों नहीं सकता, पहला दूसरा ऊपर कर रहा हूँ तो एक जगह जाके अटक जा रहा है। अब विपिन गुप्ता जी का कमेंट दिख रहा है सीधा, वो वाला मैंने देखा था कि उसके ऊपर कमेंट थे बट अब दिख नहीं रहे, आई हेट दिस थिंग, एनीवेज, बट फर्स्ट 10 लोग जो आए थे, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो आए थे, उनके सवाल मिलेगा, ज़रूर जवाब मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, आपने क्वेश्चन डाला है। अब मैं बीच में ये क्वेश्चन ले रहा हूँ जो भी आ रहा है, मेन वेड़ा पूछ रहे हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कैसे दूर करें सर, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ वेन वेड़ा जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कैन बी बिकॉज ऑफ स्टमक अल्सर्स, स्टमक गैस्ट्राइटिस, कैन बी बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी, कैन बी बिकॉज ऑफ मोर, ज़्यादा खाना खा लेना, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, सो आपको क्या है वो हमें देखना होगा। अगर आपको सिर्फ अल्सर्स होते हैं, माउथ में अल्सर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है, तो आपको फिर एंटासिड भी लेना पड़ेगा, तो आपको फिर जेलोसिल जैसी एंटासिड लेने पड़ेंगे, पैंटोसिड जैसी ये लेने पड़ेंगे एसिड कम करने के लिए, सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉज। सो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नीचे जाओ, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाइजेशन का एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट पूरा देखिए, जो भी खाना खाते हैं थोड़ी कम मात्रा में खाइए, ज़्यादा चबा के खाइए, स्पाइसी अवॉइड करिए, तला हुआ अवॉइड करिए, और दिन में 6 बार खाना खाइए, ठंडा दूध पी सकते हैं अगर गैस ज़्यादा हो रही है, डाइजीन ले सकते हैं, म्यूकेन जेल ले सकते हैं खाना खाने के बाद, सुक्रालफेट सिरप ले सकते हैं खाना खाने के पहले, ये सब बिना कोई टेंशन के ले सकते हैं, बाकी कोई चीज़ दवा गैस के लिए पेंटोप्राजोल या रेबेप्राजोल ले सकते हैं कुछ दिन के लिए, लंबे समय के लिए लेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट हैं, कोई भी बंदा गैस की दवा भी लंबे समय तक बिना ज़रूरत नहीं लेगा, ठीक है, नहीं तो साइड इफेक्ट होता है, B12 डिफिशियंसी हो जाती है उससे, और भी बहुत कुछ होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अब, क्योंकि हमारा इन्होंने कर रखा है ऐसी की तैसी, तो हम एक बार सुपर चैट वालों का देख लेते हैं,
सुपर चैट वाले भाई साहब, क्योंकि हम ऊपर के क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं, आई एम सो सॉरी। सो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, फिर से कह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जैसे ही से चैट खत्म होगा वैसे ही आपके सवालों के जवाब आ जाएगा। सो सुपर चैट वाले भाई साहब ने पूछा है, सिद्धार्थ आर्य ने दिया कि सुपर चैट किसने दिया, मेरे को समझ नहीं आ रही, इसमें तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ, डार्क स्पॉट्स एंड ऑन फेस, नीचे जाके मेलेस्मा का वीडियो देख लीजिए। सिद्धार्थ आर्या, कैन स्प्रिंटिंग इंक्रीज हाइट एट 19? एब्सोल्युटली, स्प्रिंटिंग एंड ऑल दीज हैवी फास्ट एक्सरसाइजेस विल स्टिमुलेट योर टेस्टोस्टेरोन्स। सो स्प्रिंटिंग नहीं करनी है दोस्त, कॉम्पिटिटिव स्प्रिंटिंग करनी है। इफ़ यू डू कॉम्पिटिटिव स्प्रिंटिंग, यानी दो लोग, तीन लोग, चार लोग कॉम्पिटिशन करके फर्स्ट आने की कोशिश करोगे तो हाइट बढ़ेगी, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जैसे बूम वॉल्केनिक इरप्शन, राइट? दैट इज द थिंग। सो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एंटीबायोटिक्स, आई हैव अ वीडियो ऑन एंटीबायोटिक्स, फहीम चाची, एंटीबायोटिक्स बाय डॉक्टर एजुकेशन डाली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे वीडियो है, एंटीबायोटिक्स पे है, ऐसे एक एक एंटीबायोटिक पे वीडियो, तो फिर वो सीरीज अलग ही हो गई। मेडिकल एजुकेशन दैट वुड बी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर जनरल पब्लिक, दैट इज रॉन्ग। अगर आपको किसी एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, या फिर पर्सनल लेवल पे, राइट? वरुण वालिया, मील खाने के बाद डकार, ओहो हो हो, और ये क्या हुआ, मील खाने के बाद डकार आते हैं, खाते ही आते लेकिन आते हैं, कुछ तो हुआ है, ये क्या हो गया है, कुछ हो गया, अच्छा ओ सॉरी, ये शायद ओके कैमरा मुड़ गया, सॉरी, मैं वही सोचो कुछ हो गया। सो मील खाने के बाद डकार आते हैं, मील खाने के बाद जो कर डकार आते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फास्ट ईटिंग, जब आप बहुत जल्दी खाते हैं। ऑल्दो हिकअप्स का आई थिंक डकार का एक वीडियो है मेरे, इसमें बेल्चिंग, बर्पिंग एंड फ्लैटुलेंस, इसका वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, बेल्चिंग, बर्पिंग, फ्लैटुलेंस बाय डॉक्टर एजुकेशन, डकार बाय डॉक्टर एजुकेशन लिखोगे तो भी आ जाना चाहिए, राइट? तो वो आता है क्योंकि आप बहुत जल्दी खाना खा रहे हो, बहुत जल्दी खाने के चक्कर में, और ये भी हिल रहा है, सॉरी, बहुत जल्दी खाने के चक्कर में बहुत सारी हवा खा जाते हो, एक्चुअली दैट इज़ ट्रू। सो आप धीरे धीरे खाओ, खाना धीरे खाओ, कम मात्रा में खाओ, ज़्यादा चबा के खाओ, 3 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सोच रहे हो ऐसा होता है। सो और दो क्वेश्चन देख रहे हैं हम, लकी क्वेश्चंस, क्योंकि हमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट 10 लोगों के आंसर आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, तीन जगह पे, मतलब दो जगह पे आएंगे, एक तो कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा मैं, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, राइट? सो बाकी लोगों के अभी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ रैंडमली, राइट? सो सॉरी फॉर दैट सर, ओके। सो अब हम ले रहे हैं, आई होप आई हैव कवर्ड द PCOS को ठीक करने का कोई तरीका है बताएं। जी मैंने बताया हुआ है तरीका, PCOS को ठीक करने का तरीका है, वजन घटाएं, हाई हेल्थ सही करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, ये तीन चीज़ों से साल भर में आपका PCOS ठीक हो सकता है। टाइम लगेगा, 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, टाइम लगेगा, राइट? और साथ में कुछ टाइम के लिए आपको लेना पड़ेगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हॉर्मोनल पिल्स, राइट? PCOS के 2 वीडियोज़ हैं हमारे, इसमें एक PCOS है और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, सो वो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। PCOS बाय डॉक्टर एजुकेशन लिखिए ऑन यूट्यूब, राइट? BP 190/110 BP मीन्स यू हैव टू रीचेक। 190/110 का मतलब है अगर आपका BP इतना हाई आ रहा है मिस्टर वरुण जी, सो हो सकता है आप उस वक्त स्ट्रेस्ड हैं, राइट? वन फर्स्ट रीज़न, मोस्ट कॉमन रीज़न, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, उस पर वीडियो है हमारा। दूसरा रीज़न, एक्चुअली BP हाई है, एक्चुअली BP हाई है तो देखिए 10 मिनट के बाद, एक घंटे के बाद भी आपका BP अगर इतना हाई है तो आपको दवाई लेनी होगी, या फिर से दवाई लेनी होगी अगर ले चुके हैं पहले, या फिर हॉस्पिटल जाके एक बार डॉक्टर से दिखाइए, राइट? एक घंटे से ज़्यादा BP इतना हाई रहना ख़राब है, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1-10 मिनट के लिए हाई रह सकता है, जैसे आपका BP हाई रहता है जब आप दौड़ते हैं, तब आपका BP 180, 190, 200 तक भी जा सकता है, और इसके साथ कोई नहीं आया मुझे लगा कोई आया, एनीवेज
अच्छा स्पिरिचुअल हीलिंग जी कह रहे हैं, क्राब्स आई स्टॉप, नो रोटी नो राइस, शुगर कंट्रोल्ड बट फीलिंग हंगरी ऑल द टाइम, प्लस आल्सो डायबिटिक न्यूरोपैथी, इज इट क्यूरेबल? सी, फीलिंग हंगरी ऑल द टाइम इज बिकॉज योर शुगर इज नॉट गेटिंग यूज्ड, राइट? इफ़ यू आर डायबिटिक, आई मीन डायबिटिक हैं ऑब्वियसली, इसलिए न्यूरोपैथी के बारे में पूछ रहे हैं. सो प्रॉब्लम इज दैट यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट लिटिल बिट, वट एवर इट इज, किसी का कम किसी का ज़्यादा. सो आपकी बॉडी इंसुलिन कम यूज़ कर सकती है. यू डोंट हैव टू स्टॉप एवरीथिंग, राइस शुगर रोटी एंड ऑल. आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो. हाँ भाई, राइट, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि आपको कट करना है, आपको ये मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, राइट? एंड वॉट यू हैव टू ईट, यू नीड कार्ब्स, राइट? कार्ब्स चाहिए लेकिन कम मात्रा में, राइट? घर में जैसे कार्ब्स कितने चाहिए? हाँ, अबे रुक जाए, दो मिनट रुक जा, ठीक है. कार्ब्स कितने चाहिए? कार्ब्स चाहिए आपको मिनिमम हर 3 से 4 घंटे में कॉम्प्लेक्स कार्ब खा लो, 6 घंटे में खा लो, फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो. अगर आप हर 3 घंटे में एक एक फ्रूट या हर 6 घंटे में 4 घंटे में दो दो फ्रूट खाते हो तो आपको वीकनेस नहीं फील होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको फाइबर खाना है, जूस नहीं चलेगा, पानी नहीं चलेगा. पानी तो पीना ही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को खाना पड़ेगा. सो स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल सी अ चेंज, ड्रास्टिक चेंज, राइट? और ऐसा नहीं कि स्वीट्स रोटी नहीं खा सकते, रोटी खा सकते हो, दिन में 1 या 2 रोटी, यानी अपनी जितनी भी पहले खाते थे उसकी आधी कर दो. इंक्रीज योर दाल, इंक्रीज योर प्रोटीन्स, दाल ज़्यादा खाओ, दूध या अगर दूध लेते हो दूध दही पनीर लस्सी ये ज़्यादा खाओ. सो मेक श्योर टू हैव इनफ प्रोटीन्स, राइट? उसी से आपकी बॉडी में चीज़ें बनेगी, राइट? राइट, देन क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बीपी प्रॉब्लम गैस से होता है क्या, फैटी लीवर से होता है क्या? नॉट एट ऑल, नो 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 नो. प्रशांत जी, बीपी को समझिए, बीपी की एक वीडियोज़ हैं हमारे चैनल में, अगर वो देखेंगे तो समझ जाएंगे ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है. इट्स ऑल अबाउट योर खून की नसें. खून की नसों में एडजस्टेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ शुगर, बिकॉज ऑफ मेनी 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 थिंग्स, राइट? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज नॉट स्लीपिंग, बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग, बिकॉज ओबेसिटी, बिकॉज डायबिटीज. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. सो बीपी का वीडियो देखो, ठीक हो जाएगा. फैटी लीवर से नहीं होता, दोनों एक साथ हो सकता है, मोटापे की वजह से, मोटापे की वजह से. ऑलराइट, सो बीपी ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर एजुकेशन, ओके. लिंक बिटवीन एक्नी एंड बियर, इट्स क्लियरिंग माय स्किन, वो वेरी नाइस. सी, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज योर स्किन विल गेट क्लियर्ड. एक्नी के बारे में मैंने पहले भी बताया कि देयर इज अ फेज वेयर योर हॉर्मोन्स आर इम्बैलेंस, राइट? एंड बियर कॉजेस डायूरेसिस. बियर कॉजेस डायूरेसिस, सोचो क्या होगा. अब ये टेक्निक बताता हूँ, मतलब आपके अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली तो देख के नहीं, बट क्या हो सकता है सोचो. आपकी स्किन अगर ऑयली है तो एक्ने ज़्यादा होंगे. आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली हो सकती है. ड्राई कैसे होती है? अगर आपको हो जाए पानी की कमी, यानी अगर आप बियर ज़्यादा ले रहे हो, दारू ज़्यादा पी रहे हो, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है बिकॉज पानी ज़्यादा आएगा, पेशाब ज़्यादा आएगा. डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, पहले स्किन को खूब पानी कम भेजेगी, क्योंकि भाई साहब स्किन ड्राई होगी चलेगा, लेकिन बॉडी को पानी चाहिए, इसलिए स्किन हो जाएगी ड्राई. ड्राई स्किन पे क्या होगा, ऑयल्स का इफेक्ट कम हो जाएगा. सो एक लेवल पे आपका एक्नी ठीक होने लगेगा, कम आएगा बिकॉज ड्राई स्किन है. लेकिन मानो और ड्राई, वो एक लाइन, थिन लाइन ब्रेक हो गई, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, तो आपकी बॉडी बोलेगी भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, अब ऑयल बनाना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल से फिर एक्नी और बढ़ जाएंगे. सो ये जो है बहुत ही पतली रेखा है जो जिस पे आप खड़े नहीं रह सकते, ये कोई इलाज नहीं है, ये उसके पीछे का लॉजिक हुआ. आई होप आपको समझ आ रही है, नहीं तो आप एक्नी वाला वीडियो देखो, ड्राइनेस से कैसे एक्नी होती है आपको समझ जाएगी, राइट? उसके बाद बीच में जॉ लाइन बोन सर्जरी कैन क्योर डबल चिन, नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं. नीरज कुमार जी, जॉ लाइन अलग है, डबल चिन फैट है. डबल चिन का जॉ से क्या लेना देना, राइट? चुपचाप से दिन में 10 मिनट, सुबह 10 मिनट, शाम को स्किपिंग करिए, और थोड़ा सा अपने कार्ब्स कट करिए, अपने फैट्स कट करिए, 1 साल का 6 महीने में आपकी जॉ लाइन ठीक हो जाएगी. डोंट वरी अबाउट इट, है ना? इतने लोग हैं आपके सामने, करीना कपूर मोटी होके पतली हो गई, लोग मोटे होके पतले हो गए, तो आपको क्या लग रहा है सबने जॉ लाइन सर्जरी करे? कोई नहीं कराता यार, जॉ लाइन सर्जरी से फैट नहीं जाएगा. डोंट वरी, डोंट बोन सर्जरी, बोन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ओके? मेक श्योर ऑफ दैट. नेक्स्ट मैं उसे रैंडम ले रहा हूँ अभी. बेस्ट मेडिसिन फॉर चेस्ट कंजेशन एंड अस्थमा, बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज. बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज, राइट? अब आपने मेडिसिन की बात करी तो
ट्रू बिकॉज जितनी एक्सरसाइज होती है उतनी आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरसाइज, राइट. सो चेस्ट मेडिसिन उसके है, तो वो काम ज़्यादा करता है तो वो ठीक हो जाता है. बहुत सिंपल, पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज ज़्यादा को. पानी पीने से जो उसके बलगम होती है, जो कफ है, वो लाइट हो जाएगा, पतला और निकल जाएगा फट से. राइट, रख दो, अभी देख रहा हूँ मैं. ठीक है, ऑलराइट. सो बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज. क्या हो गया, कोई खड़ा है क्या वहाँ? ये लेके जा, 1 2 और कहाँ है ये, चेकिंग चेकिंग चेकिंग, 3. चलो ये रख दो, अभी देख रहा हूँ 5 मिनट. हाँ, वही. तो मेरे को एक लेटर हेड ला दो वहाँ से, लेटर हेड ला दो, समरी बन जाएगी, लेटर हेड ला दो. उफ, ये काम कैसे होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, रैंडम. माय एमआरआई हार्ट बीट मिस करती है क्या? है एमआरआई हार्ट बीट मिस नहीं करती, ये कौन सी चीज़ हो गई? एमआरआई इज अ बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें के आपके फ़ोटो खींची जाती है हार्ट की, चेस्ट की, वट एवर इट इज, मसल्स की फ़ोटो खींचने, तो हार्ट की भी खींच सकते हैं. सो एमआरआई से हार्ट बीट मिस नहीं होती. हाँ, इतना है कि जितना तेज़ हार्ट भड़केगा, मान लो हार्ट वट डे धड़क रहा है, तो अब मैं बताऊँ, मैं ऐसे हिलता जाऊँगा, आपको बोलूँगा फ़ोटो खींचो, तो आप खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते ना. सो जितना कम स्लो धड़केगा उतना अच्छी फ़ोटो आएगी. इसलिए बहुत तेज़ हार्ट धड़क रहा है तो फोटो नहीं आती. इसलिए उस इतने तेज़ हार्ट रेट में सीटी स्कैन भी नहीं हो पाता, सीटी एनजीओ भी नहीं हो पाता. उसके लिए फिर हार्ट रेट स्लो चाहिए, कॉन्सेप्ट, राइट. और एमआरआई हार्ट बीट स्किप कर ही नहीं सकता, राइट, समझ रहे हो? हाँ, ये बात और है कि इट्स नॉट अ रेडिएशन, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. लो, 5 मिनट में ले जाना, ओके. ऑल राइट, थैंक यू सर, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, थैंक यू एनीवेज. कैन माउथ मोंटिल्यूकस गुड फॉर लॉन्ग टर्म फॉर चिल्ड्रन? नो, आई डोंट सजेस्ट एनी मेडिसिन फॉर लॉन्ग टर्म, क्वाइट फ्रेंकली, फॉर एनी बडी. जब बच्चों की तो दूर की बात है. मोंटिल्यूकस आप ले रहे होंगे कि बच्चे को थोड़ा बहुत आस्थमैटिक या एलर्जिक दिक्कत ज़्यादा होती होगी, जब ज़्यादा है तब लो. फिलहाल आप उसको मैनेज करने की कोशिश करो, पहले तो उसका कारण समझो. अगर उसको कफ है, कोल्ड है, तो कफ कोल्ड का मेरा वीडियो देखो, उसमें बताया है क्या करना है. बच्चों के लिए भी कर सकते हो, राइट. सो कफ कोल्ड है तो ये, अस्थमा है तो अस्थमा का वीडियो है, वो जाके देखो मेरे चैनल पे, राइट. डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म मेडिसिन प्लीज़. ओफो, अब मेरे को ज़रा ये लिखना पड़ेगा. सो मेरे ख्याल काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, मैं थोड़े से ओहो सुपर चैट वाले क्वेश्चन देख लेता हूँ. एक तो हाँ, वीनू गोपाल जी के क्वेश्चन कौन सा है, अब ये कैसे बताऊंगा. वीनू गोपाल जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो यहाँ पे? आई हैव नो आइडिया हाउ टू लुक फॉर सुपर चैट क्वेश्चंस. आई एम वेरी इमेच्योर इन दिस, आई मीन खासकर मोबाइल पे. एक बड़ा सा लैपटॉप नहीं है, या तो है भी तो यहाँ पर कहाँ लेके घूमूंगा हॉस्पिटल में, ये सबसे बड़ा इशू है. इसलिए मैं फिर वो बड़े बड़े कैमराज भी नहीं लेके घूम सकता. हॉस्पिटल में लेके घूमता कैसे, ले जा बड़े बड़े कैमरा, ऐसे व्लॉग कर रहे से कैसे थोड़ी कर सकते यार, है ना, काम ऐसे थोड़ी होता है. तो आई एम सो सॉरी, बट मैं आपका इसमें क्वेश्चन ढूंढ के उसका आंसर आपको वो कर देता हूँ, ओके. सो थैंक यू सो मच गाइज, अभी का ये हो गया है 22 मिनट, काफ़ी टाइम हो गया है. आई हैव टू डू सम वर्क एंड देन इन लेस देन 10 मिनट्स आई विल बी लाइव ऑन इंस्टाग्राम. सो अगर आप फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए. अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है. आप मुझे इंस्टाग्राम में ढूंढ लीजिए, फॉलो करिए और वहाँ पर लाइव आ जाइए. और जिन 10 लोगों के सवालों के जवाब स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ दिस इशू चले गए हैं, उनके सवालों के जवाब आधे घंटे में आ जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर और साथ में कम्युनिटी में. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. आज का वीडियो थोड़ा शाम तक आएगा, वट एवर द वीडियो इज़. सो आई एम थिंकिंग कल का एक बड़ा कन्फ्यूजिंग अच्छा वीडियो आ गया था, लेकिन लोगों को पता नहीं सोए में क्या दिक्कत है. सोए में कोई दूध में, कोई किसी को दाल में. भाई साहब 100 ग्राम दाल नहीं खा सकते क्या? किसने कह दिया? मतलब वो कहते हैं 100, कोई कहता 100 ग्राम दाल इनप्रैक्टिकल है, कोई नहीं खा सकता. भाई साहब, मैंने भी मम्मी से पूछा, माता आप, मैं माता से पूछा, माता एक बार में अपने घर में कितनी दाल बनती? कहती 250 ग्राम के आसपास. और मैं कह चने कितने बनते? कहती आधा किलो. मैं कहा आधा किलो चने बनते हैं और हम खा जाते हैं, घबा कब खा जाते हैं? मतलब आधा किलो चने तो 100-200 ग्राम तो एक बंदा खा ही जाता है आराम से पूरे दिन में, कौन नहीं खा सकता क्या? लोगों को समझ नहीं आती. एनीवेज, ओके, सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, and please keep supporting. Thank you so much guys, and I'll see you in a jiffy on Instagram.